निका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना तो किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर की कैबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़े होते हुए कमजोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर कुछ बोले उसके पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है, यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था, वो बस नम आंखों से एक ही बात सोची जा रही थी कि जब आज तक उसे कभी किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उधेड़बुन में थी तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े लेकिन पुराने और जंग लगे गेट में एंटर होती है। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक गुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार कि अनिका की पूरी गर्दन छुप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो वैसी उसकी दो आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा, दिखा था तो बस उसका शरीर बेडोल और निराकार। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की, इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बड़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का, नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने, लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा।
और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। अब उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उसके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करते ही एक घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीनों की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ना सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। और 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस नन्ही सी जान से बात करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी छिड़क रही थी, तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती उसके पहले उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसी गोलियां निकलती हैं, वैसी बाइक की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अनिका ने जैसे ही इस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। 21 साल का कुणाल अपनी नजर अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी के कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था, तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे?
ऐसे में कुणाल अनिका के सामने आकर अरगेन से खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पांव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबरा कर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। अनिका ने अपने पापा को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम आ रहे हो, तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुर्रा के कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ। ऐसा बोलकर अपने दामाद को वेलकम करोगे आप? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की तरफ देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया तब से उसकी नजर अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए और रम के घूंट लेते हुए कुणाल अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुणाल के मन की बात को भांप रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवा दी और अब दादाजी चाहते हैं कि इसके नाजायज बच्चे को भी मैं अपना नाम दूं। एक तो इस मोटी को मेरे गले बांधकर पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। और फिर अनिका की ओर देखते हुए कुणाल ने कहा, एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही ना हो। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भागा था मैं, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी ना रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी ये धरती फट जाए और दोनों उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो? वैसे उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो इस बेशरम लड़की को, शादी के फेरे लेते वक्त पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं तेरे इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस गटर का कीड़ा है। ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की तरफ आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वो अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हर्ट थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अभी उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोले। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का,
तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर दे मारी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना चूक गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, माम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? लेकिन अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, ओ कम ऑन माम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं, अब मेरी गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हैट में से बाहर निकाला है। आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कद काठी के एक आदमी ने उनके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना करके रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी, चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गाल विद अ परफेक्ट जॉलाइन, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम होंठ और सुराही लंबी गर्दन, शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाई आंख फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों।
अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से तीन लोग और भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फोन पर उसके पापा गौतम का फोन आया। अनिका के फोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें दो पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और एरोगेंस से भरपूर। वो तो अनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लूंगा, कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अब सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? तूने भले ही उसे ना देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नजर और कमर वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना हो। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट ना कर दे, और इसलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। और तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नजरों से अननोटिस रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टैब में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे, उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल
क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, ये ठंडी गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके कान पर हाथ गिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना कान झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहता था। ओ, समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है, है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस कॉलर का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया तो तभी पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं, जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, बल्कि उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी! आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आई हैं, तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी, अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही है। गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बैठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टियस अंदाज में कहा, अरे मिस मिस, अपना नाम तो बता दी जाओ। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका को पूछा, अरे मिस मिस, अपना नाम तो बता दीजिए। अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़ी ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना? अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाला बोर्ड देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड का लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना।
कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाने को कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। दो पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, इसलिए हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद कर बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5-स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रही राजू को होटल में गेट पर ही रोक दिया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गए। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की ये शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। बेल बॉय अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाता हुआ बोला कि उसकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल सुइट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा है हमारी होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का, वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यही रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पे पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर अनिका ने देखा कि ये फ्लोर होटल के बाकी के फ्लोर से ज्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेलबॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल सुइट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल सुइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थक कर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा ही रही थी तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फोन आ रहा था। अनिका की आवाज से कहीं रिया जाग ना जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके फोन उठाती है। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, what kind of a behavior is this? कुणाल 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहते ही अनिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का फोन आया। अनिका ने फोन पिक किया तो राज लक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी, याद है ना
आपको रोज कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचके जाते हुए बोली, अरे मैडम क्या करूँ मैं, फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में है, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम एज यू विश, मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है, टॉल डार्क हैंडसम, और हाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं, और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है, बाकी आपकी मर्जी, सोच लो, रोहित का फोटो भेजो। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन, और हाँ रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसकी पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई, पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एक तक देखी जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी, लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना, हाँ मामा विल मिस यू एंड मामा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर, किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का CEO रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन? आर्यन? जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा था, आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी।
यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल कत्थई आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था, लेकिन अनिका ने आज घर के गेट में कदम रखा तो देखा घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहाँ यंग लड़के लड़कियाँ अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिरने की आवाज आई। अनिका ने आवाज की दिशा में घूम कर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया, क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है, हाँ अनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। प्रीति की बात सुन सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है, तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को जबरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, एन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में ज्योति बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो।
अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को, ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कॉम्पिटिशन भी जीत चुकी। अनिका ने कामिनी के हाथ से ग्लास छीन कर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इन आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे, अरे यार ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गई। उनको वहाँ देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ, पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया, एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और 1 पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई, वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी, बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया
मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन कर करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उस मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका अब सब कागज पर साइन करने को मान गई। लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जिसने आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भाग कर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा, तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, न कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो, और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चू तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरफ सबके अपमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी, और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुर्राती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो खुद को, वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कर लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। अनिका की ये बात सुनकर न जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आई, कहाँ गई वो मोटी, मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई।
लेकिन अनिका वहीं खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। मैं आपको, कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर घर के गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना, प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया। समझते क्या है वो अपने आप को? 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इसके पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी होगी ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच दी तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा कि जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रही हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आग झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़ी ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और ना समझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी
कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपने उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करे, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक छोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा है तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था कामिनी ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था लेकिन अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर ने फोन उठाकर कहा, अनिका बेटी कैसी हो? क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? अनिका ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ, तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल उसकी कोई जरूरत नहीं, खैर आप अपना ख्याल रखिए। फोन काट कर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें, इसलिए अब कामिनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ला कर देगी, इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोक कर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल के रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई, उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा, उसके पास सिर्फ एक पर्स
और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जॉलाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नजर अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की ये बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है। तब तो ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वो कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माय सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। न जाने क्यों, जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट जमीन पर गिर गईं। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो पांव पटक कर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। अनिका ने गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है, बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं। मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ना वो किसी के पास जाते हैं ना कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था।
दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहाँ गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज कामिनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल को डिवोर्स पेपर थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन, गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा। बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, जल्द ही तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे ना मैं करूँगा। कुणाल आखिरी पैग नीट पी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। दिल मिलाई अनिका अपने कमरे में आई, अपना पर्स सोफे पर फेंक कर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा, रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था, वॉन्ट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। रोहित काफी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर से पूछता है, यस यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सैम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, सर बट गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आरएन इज नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24th फ्लोर पर पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने
फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था?